Hello friends, welcome back to my channel. फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं सरीना हाईटी पर और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी सरीना जाने का प्लान कर रहे हैं हाईटी के लिए तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहे क्योंकि मैं आप लोगों के साथ मेन्यू भी शेयर करूँगी, टेस्ट भी शेयर करूँगी, प्राइस भी शेयर करूँगी और आपके साथ अपना रिव्यू भी शेयर करूँगी कि क्या वहाँ जाना इस प्राइस रेंज में इन सब फूड आइटम्स के साथ वर्थ है या नहीं। तो जी यहाँ पर अब हम एंटर हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो नीचे आप पार्किंग में भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और अगर आप ऊपर की तरफ को ले आते हैं तो वैले पार्किंग का ऑप्शन है। हमारे साथ कुछ गेस्ट भी आना एक्सपेक्टेड थे तो थोड़ी देर के लिए हम लोग लॉबी में रुक गए और हाईटी स्टार्ट होने में भी अभी टाइम था और यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब कभी भी सरीना आने का प्लान करें तो बिल्कुल ऐसा मत करें कि अगर हाईटी जो है वो आपकी 4 बजे स्टार्ट हो रही है तो आप एग्जैक्ट 4 बजे या 4 बजे के बाद पहुंचें। आप थोड़ा सा पहले पहुंचें ताकि आप अच्छा सा रिलैक्स सा टाइम जो है वो यहाँ पर स्पेंड कर सकें। और आज हमारा प्लान है इनके ज़माना रेस्टोरेंट में जाने का और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर हाईटी स्टार्ट आप कह सकते हैं हो गई है, टाइम हो गया लेकिन अभी रश इतना नहीं था। बहुत ही ज़बरदस्त सा कोजी सा एम्बियंस था तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए एक छोटा सा शूट कर लूँ ताकि आपको एक अच्छा सा आइडिया हो जाए यहाँ का। तो चलिए जी देर ना करते हुए मेन्यू से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जो है 2 सूप्स हैं आज मेन्यू में। एक तो जो पम्पकिन और कैरेट सूप है और दूसरा यहाँ पर चिकन एंड होल ग्रेन मस्टर्ड सूप है। अच्छा मैंने ये वाला तो ट्राई नहीं किया लेकिन जो मस्टर्ड जो कैरेट और पम्पकिन सूप था वो बहुत ही टेस्टी था। ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैं सोच रही थी पम्पकिन का सूप कैसा होता होगा लेकिन डेफ़िनेटली मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर ये जितने भी वेराइटी का सूप सर्व करते हैं उनका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव स्टेशन है और यहाँ पर बन रही थी फिश, इसके अलावा चपली कबाब थे। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रेंड्स मुझे इनके चपली कबाब कभी भी समझ में नहीं आए क्योंकि हमेशा ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी से होते हैं। हालांकि चपली कबाब जो हैं वो बहुत ही जूसी और टेंडर से होने चाहिए लेकिन ये कुछ थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं और इसमें बेसन का जो फ्लेवर है वो भी बहुत एक्स्ट्रा सा आता है। मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगा, हो सकता है आप ट्राई करें तो आपको अच्छा लगे। और यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं बाकी मेन्यू पर भी। अच्छा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो सरीना वालों ने ये कर दिया है कि हाईटी के लिए इन्होंने प्लेट का साइज़ जो है वो बहुत ही छोटा कर दिया है। टी के हिसाब से आप कह सकते हैं टी प्लेट्स इन्होंने रख दी हुई हैं और मेन्यू भी आपके सामने हैं जिसमें ये सारे कोल्ड बेवरेजेस थे जिसमें इन्होंने डिफरेंट तरह के सैलड्स बनाए हुए थे। लेकिन अगर आप मेन कोर्स की बात करें तो उसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा आइटम्स देखने को नहीं मिलते। पिज़्ज़ा था, कुछ बारबेक्यू आइटम्स थे। हाँ नो डाउट के टेस्ट हर चीज़ का बहुत ही अच्छा था। अच्छा एक चीज़ पे जिसे मुझे हमेशा बहुत एतराज़ होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मोस्टली इनके डिशेज़ हैं वो उन्होंने अगर दही फुलकियाँ बना के रखी हैं तो साथ में एक डिश में जो है वो प्याज डाले हुए हैं, एक में टमाटर डाले हुए हैं और इस तरह करके वो देखने में आपको बहुत लंबा चौड़ा सा मेन्यू लगता है लेकिन मोस्टली जो डिशेज़ हैं वो इसी तरह की चीज़ों से फिल की हुई हैं। 4 तरह के जो ड्रिंक्स हैं वो हाईटी में इंक्लूडेड थे। अच्छा ये आप कह सकते हैं कुछ मेन कोर्स टाइप का है, मतलब ये देसी एरिया है सारा, पर यहाँ पर आपको फ़िश है, चिप्स हैं, इसके अलावा बारबेक्यू आइटम्स थे, समोसास थे, यहाँ पर कुछ ये चाइनीज़ स्टाइल का बना हुआ चिकन था, चिकन मंचूरियन नहीं था लेकिन कुछ चाइनीज़ स्टाइल का बना हुआ था। पास्ता जो है इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, रीज़नेबली गुड था। और यहाँ पर आप देख लीजिए तो ये पकौड़े हैं, ये भी बहुत ही अच्छे क्रिस्पी से बने हुए थे। अच्छा यहाँ पर मैं आपको ये बहुत क्लियरली बताती जाऊँ कि अगर आप लोग हाईटी पर आ रहे हैं तो आप ये माइंड में रखिए कि आप टी के लिए ही आ रहे हैं क्योंकि ये अपने मेन्यू में बिल्कुल भी ना तो कोई रोटी सर्व कर रहे हैं
ना ही किसी किस्म के राइस सर्व करें। और आपको पता है कि इन चीज़ों के बगैर हमें अपना खाना ज़रा आधा अधूरा सा लगता है, तो ये चीज़ माइंड में ज़रूर रख लीजिएगा। हाँ, स्टार्टिंग में जो इनकी हाइटीज़ थी उसमें इनके राइस के आइटम्स होते थे, लेकिन अब इन्होंने ये सारे ख़त्म कर दिए। डिज़र्ट बार जो है इनका वो काफ़ी डिटेल्ड था और हर चीज़ का टेस्ट जो है आउट क्लास था। मुझे लगता है कि डिज़र्ट बार की तरह थोड़ी सी अटेंशन इनको जो है वो अपने मेन कोर्स पे भी देनी चाहिए, क्योंकि बेशक ये हाई टी है लेकिन ऑब्वियसली आजकल हर जगह हाई टी में मेन कोर्स होता है, और मेन कोर्स में एक सॉस होना चाहिए, कुछ बारबेक्यू आइटम्स होने चाहिए। उस लिहाज से इतना मज़े का नहीं था। वो लोग जो देसी खाने के शौकीन हैं उनके लिए ये हाई टी कोई इतनी ख़ास मज़े की नहीं रहने वाली, लेकिन जिन लोगों को डिज़र्ट का बहुत शौक है या बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा पसंद है या वो तरह तरह के न्यू सूप्स ट्राई करना चाहते उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, मैंने तो अपना ऑनेस्ट रिव्यू जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है, और 2800 प्लस टैक्स जो है वो इनकी प्राइस है। अब इस प्राइस रेंज में यहाँ पर आना वर्थ है या नहीं, ये डिसाइड करना है आपको। वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई और नई जगह का रिव्यू आप चाहते हैं तो वो भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए फूड प्लेस पर।